हाजिर हूं एक नए वीडियो में नए जॉब वैकेंसी के साथ। आज आप इस वीडियो में जानेंगे हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड कंपनी की वैकेंसी के बारे में। हीरो कंपनी में एक बार फिर से वैकेंसी आ चुकी है, तो अगर आप हीरो कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हीरो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। यहां पे मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई है, तो अगर आप मेल है तभी आप इस बार ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप फीमेल है तभी आप इस बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों के लिए यहां पे वैकेंसी है, तो आज आप इस वीडियो में डिटेल्स में जान पाएंगे मेल के लिए क्या कंडीशन है और फीमेल के लिए क्या क्या कंडीशन रखे गए। इस कंपनी में आपको सैलरी कितना मिलेगा, कितने घंटे आपको ड्यूटी करना होगा, इंटरव्यू का एड्रेस क्या है, कहां पे आपका इंटरव्यू होगा और कब आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो सारी बातें आज आप इस वीडियो में डिटेल्स में जान पाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले आप इस वैकेंसी के बारे में आप ये जान लीजिए, ये जो वैकेंसी आई है डायरेक्ट कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। आप इस बार जो ज्वाइनिंग करेंगे तो डायरेक्ट आप कंपनी रोल पे ज्वाइनिंग करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट आप कंपनी रोल पे आप जॉब कर पाएंगे। आप ये भी जान लीजिए ये जो वैकेंसी आई है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है, आप इंडिया के जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। कंपनी का एड्रेस स्क्रीन पे दिया गया है, ये आपका कंपनी का एड्रेस है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड प्लॉट नंबर 102 जीआईडीसी हालोल। हालोल जीआईडीसी जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पे ये कंपनी मौजूद है। इसी के आसपास में भी बहुत सारी कंपनियां मौजूद है, राजपुताना स्टील के जस्ट साइड में ही इसके आसपास में इंड्योरेंस और भी बहुत छोटी मोटी कंपनियां मौजूद है। सबसे बड़ा जो प्लांट है वो हीरो का ही है, तो यही आपका जॉब लोकेशन होने वाला है, आप गूगल मैप पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे मेल हो या फीमेल दोनों के लिए एज लिमिट सेम रखा गया है। यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल से लिया जा रहा है और मैक्सिमम एज 26 साल तक ही लिया जा रहा है। तो अगर आपका एज मेल हो या फीमेल 18 से 26 साल के अंदर आता है तो आप आसानी से हीरो कंपनी में जॉब ले सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे बॉडी वेट अलग अलग मांगा गया है, तो अगर आप मेल है तो मिनिमम बॉडी वेट आपका 50 केजी होना चाहिए और फीमेल के लिए यहाँ पे मिनिमम बॉडी वेट 45 केजी मांगा गया है। और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, तो अगर अभी तक आपने किसी भी कंपनी में जॉब नहीं किया है तब भी आप आसानी से हीरो कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वर्क टाइम की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 घंटे ही ड्यूटी करने हैं, 8 घंटे का ही यहाँ पे शिफ्ट चलता है, ए शिफ्ट बी शिफ्ट और सी शिफ्ट तीनों शिफ्ट में ड्यूटी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि आपको 8 घंटे ड्यूटी के लिए आपको यहाँ सैलरी कितना मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो उसके लिए जो आपको यहाँ सैलरी मिलेगा वो है 14,200 रुपए, ये अप्रेंटिस वालों के लिए है, और अदर के लिए यहाँ पे 15,000 रुपए मंथली सैलरी मिल जाएगा। तो ये आपका इन हैंड सैलरी है आफ्टर ऑल डिडक्शन। यहाँ पे बहुत सारी चीजों के पैसे भी कटते हैं, वो मैं आपको आगे डिटेल्स में मैं बता दे रहा हूँ। तो आप ये जान लीजिए कि आपका इन हैंड जो सैलरी होने वाला है 14,200 अप्रेंटिस वालों के लिए और अदर को यहाँ पे 15,000 रुपए सैलरी इन हैंड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंपनी साथ साथ जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो आप जान लीजिए। इस कंपनी में आपको कंपनी का कैंटीन मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक टाइम का नाश्ता, एक टाइम का खाना और टी टाइम का जो ब्रेक होता है उस टाइम पे आपको टी भी मिल जाएगा। और इस कंपनी का आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी आपको ये कंपनी प्रोवाइड करती है, तो कंपनी से रूम तक आने और जाने के लिए कंपनी का आपको स्टाफ बस मिल जाएगा। और भी फैसिलिटीज जो कंपनी प्रोवाइड करती है, जो यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंपनी में मिल जाएगा। हीरो कंपनी ऐसे ही आपको काफी अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अगर आप में से किसी ने भी हीरो कंपनी में भी आपने जॉब किया हो, क्योंकि हीरो का प्लांट इंडिया में कई जगह पे है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हीरो कंपनी का जो फैसिलिटीज है वो होता कैसा है, ताकि जो लोग नए हैं वो जान सकें। तो अब आप जान लीजिए कि अगर आप हीरो कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और किस डेट को यहाँ पे इंटरव्यू होने जा रहा है और कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आप हीरो कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास प्लस ITI मांगा गया है। अगर आपने 10वीं पास की है प्लस में आपने ITI भी किया है, वो मैं आपको ट्रेड बता दे रहा हूँ कि किस किस ट्रेड वालों को यहाँ पे लिया जा रहा है और कौन से पासिंग ईयर वालों को यहाँ पे लिया जा रहा है। अगर आपने 2016, 2017 और 2018, 19 और 2020 में इनमें से किसी भी साल में आपने ITI पास किया है तो आप इस इंटरव्यू के लिए जरूर आ सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड वालों को लिया जा रहा है। फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, पेंटर, वेल्डर, टू व्हीलर, ऑटो रिपेयरिंग और कोपा और RAC, ये सभी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इनमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो आप इंटरव्यू के लिए जरूर आइए, आपको बिल्कुल फ्री में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी फीस पैसा वगैरह आपसे नहीं लिया जाता है। तो अब आप जान लीजिए कि इंटरव्यू के लिए आपको कब आना है और कहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो आप ये जान लीजिए जो इंटरव्यू ये होने वाला है वो है राजकोट में, जो गवर्नमेंट का ITI है वहीं पे इंटरव्यू होने जा रहा है। यहाँ पे पहले भी सुजुकी मोटर के लिए इंटरव्यू हो चुका है आज से कुछ दिन पहले, लेकिन फिर से यहाँ पे हीरो कंपनी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू होने जा रहा है। तो अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो राजकोट में जो गवर्नमेंट का ITI है आप वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आ जाइए। आपको आना कब है आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे 24 अगस्त को सुबह के 10 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं आप वो नोट कर लीजिए। 10वीं का मार्कशीट, जीरोक्स और ओरिजिनल दोनों लेकर के आइएगा, साथ ही ITI का भी मार्कशीट का जीरोक्स आप अपने साथ ले लीजिए, आधार कार्ड और 5 पासपोर्ट साइज फोटो और अपना एक रिज्यूम अपने साथ में ले लीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के दिए गए एड्रेस पर आप आ जाइए, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और इंटरव्यू के बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है ताकि वो जॉब आसानी से ले सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जॉब वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।